रिटायर्ड कर्मी से 50,000 रुपए की हुई छिनैती और अंबेडकर नगर में हुई नकबजनी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं धीरज मिश्रा। आपको बता दें 18 अगस्त को बाइक सवार लुटेरों ने वृद्ध से की थी दिन दहाड़े छिनैती, साथ ही गत दिनों अम्बेडकर नगर में हुई थी नकबजनी। इन घटनाओं में संलिप्त 7 अपराधी हुए गिरफ्तार। एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, जबकि 2 अभियुक्त अभी भी हैं फरार। जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाले हैं गिरफ्तार तीनों अभियुक्त। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 पल्सर बाइक समेत लूट के 43,000 रुपये व नकबजनी के 25,000 रुपये नकद किया बरामद। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। सोनभद्र जिले के रावर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की ही है घटना। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कुछ कहा, आइए देखें। रावर्सगंज में एक बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपए की झपट्टा मारकर के छिनैती की घटना हुई थी। वो जो है बैंक से पैसा निकाल करके और पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अभियुक्तों द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हमारी रुबर्सगंज कोतवाली SOG स्वाट और चौकी इंचार्ज सुकृत, इनके द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रोहन तिवारी पुत्र गार्ड तिवारी, निवासी छिप्पी टोला चौहटा, हाजीपुर वैशाली बिहार, और राहुल कुमार पुत्र मनोज, निवासी दिघी कला हाजीपुर, और रीना देवी पत्नी गार्ड तिवारी, निवासी छिप्पी टोला चौहटा हाजीपुर। इनके पास से घटना में जो पल्सर बाइक इस्तेमाल की गई थी उसको बरामद किया गया है। लूट के 43,000 रुपये बरामद किए गए हैं और 2 अभियुक्त जो और थे इस घटना में, जो रेकी में और सूचना देने में लगे हुए थे, इनके नाम राजा तिवारी और रचित हैं, तो ये फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी। और 7,000 रुपये ये लोग ले लिए थे उसमें से, तो वो रिकवरी नहीं हो पाई है। ये लोग पहले भी रोवर्सगंज में आ चुके हैं और ये चोरी भी करते हैं, बाइक भी मौका पा करके चुराते हैं और साथ ही साथ ये झपट्टा मार करके लूट की घटना करते हैं। इनके द्वारा एक नकबजनी की घटना भी कबूली गई है और उससे संबंधित 25,000 रुपया उज्जवल भी जो बरामद हुई है। ये घटना 5/8/21 को अम्बेडकर नगर मोहल्ले में हुई थी। तो